एक चौपाई आती है कि बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन स्वरूप और बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टू टू। इंद्रावती जी सब संसार को पुकारती हैं कि रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, कि दुनिया के लोगों तुम तो बावरे हो, तुम पागल हो, तुम क्यों अपना जीवन समाप्त कर रहे हो। लेकिन जब संसार के लोग जिन पर माया का ऐसा विष चढ़ा है उनकी बातों को नहीं सुनता, तो वो थक हार कर कहते हैं कि अगर कोई मेरी ब्रह्म सृष्टि होगी, अगर कोई मेरा परमधाम का साथी होगा, तो वो तो इसके एक शब्द को सुनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और वास्तव में ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान होगी, उसके हृदय में ज्ञान के लिए पिपासा होगी, उसके हृदय में जागनी के पथ पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प होगा, और पहले दिन से ही वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेगी। महावीर स्वामी की जीवनी में एक उदाहरण आता है कि एक पति पत्नी महावीर स्वामी के पास पहुंचते हैं। महावीर स्वामी सन्यास की उपयोगिता बताते हैं। उनका आभा मंडल ऐसा था कि कोई भी उनके साथ जुड़ता था, अगर थोड़े से भी अध्यात्म के संस्कार होते थे तो वो सन्यास ले लेता था। एक पति पत्नी महावीर के पास आए, ज्ञान को सुना, वापस लौटते हुए जो पत्नी का पति था वो महावीर स्वामी की बहुत प्रशंसा कर रहा था कि ऐसा दिव्य पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी शांति, इतनी करुणा कि जो भी पास जाए मानो हक्का बक्का रह जाए। घर पर आए, वो घर पर स्नान करने लगा। कहते हैं कि वो स्नान कर रहा था, उसकी पत्नी एक लोटे से उसके सिर पर जल डाल रही थी, और सौभाग्य से उस पत्नी का जो भाई था वो भी वहां पर मौजूद था जब महावीर स्वामी के यहां चर्चा हो रही थी। तो उसने हंसते हंसते अपने पत्नी को कहा कि तुम्हारा भाई तो कई दिनों से महावीर स्वामी के पास जा रहा है, उसको भी वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, वो सन्यास क्यों नहीं ले लेता, क्या उसके पास सांस नहीं। उसकी पत्नी हंसने लगी। उसकी पत्नी ने हंसते हंसते कहा, अगर वो क्षत्रिय है तो तुम भी तो क्षत्रिय हो, अभी पूरा रास्ता तुम महावीर और महावीर के सन्यास की इतनी प्रशंसा करते आए, तुम क्यों सन्यास नहीं ले लेते। और उस व्यक्ति का इतना दृढ़ संकल्प जागा, कहते हैं कि उसने वस्त्र भी नहीं पहने और वहीं से अपने घर की दहलीज को पार कर दिया। ये क्या था कि ये एक बार हृदय पर चोट लगी, एक बार विचार हुआ कि संसार की वास्तविकता है क्या। तुलसीदास जी का उदाहरण तो आप सब जानते हैं, अपनी पत्नी के लिए भीषण बारिश की रात्रि में भी एक मगरमच्छ लाश पर बैठ करके एक नदी को पार किया, सांप की रस्सी बनाकर के ऊपर पहुंच गए। उनकी पत्नी ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जितना प्रेम हराम से उतना हरी से होए, तो चला जाए बैकुंठ में पल्ला पकड़े ना कोई। कि जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, यदि इतना प्रेम तुम्हारे अंदर हरि के लिए होता तो तुम बैकुंठ पहुंच जाते। और तुलसी उसके बाद फिर अपने घर नहीं लौटे। गौतम बुद्ध का उदाहरण देखिए। गौतम बुद्ध निकले थे एक बहुत बड़े सम्मेलन में जाने के लिए। एक बार देखा कि संसार में एक दुखी व्यक्ति है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, इसको क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति दुखी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या कभी मैं भी दुखी होऊंगा। सारथी ने कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं। आज सुख है, कल आपके जीवन में दुख भी आएगा। थोड़ा सा आगे चले, एक व्यक्ति था जो बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे के कारण अपनी कमर भी सीधी नहीं रख पा रहा था। गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, इसको क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया है। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उनके सारथी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भी। उससे थोड़ा सा आगे निकले,
कोई व्यक्ति मर गया था जिसकी अर्थी जा रही थी। गौतम बुद्ध ने पूछा कि इसको क्या हुआ, क्यों इसको चार लोग उठाकर ले जाते हैं। सारथी ने कहा कि ये अब इस संसार में ही नहीं रहा। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या मैं भी इसी तरह संसार से चला जाऊंगा। सारथी ने कहा कि झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन आप भी। तीन बार गौतम बुद्ध ने यह सुना था, आप भी और आप भी। एक बार दुख को देखा, एक बार वृद्ध अवस्था को देखा और एक बार मृत अवस्था को देखा। बस यहीं से गौतम बुद्ध के हृदय में इतना प्रबल वैराग्य जागा। कहते हैं कि उसी रात्रि को उनकी गर्भवती पत्नी से एक सुंदर बालक रोहित ने जन्म लिया। लेकिन गौतम बुद्ध की आत्मा कह रही थी कि मत मुड़ो वापस, क्योंकि यदि एक बार उसका चेहरा भी देख लिया तो एक नया संस्कार तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। और वहीं से चले गए वन की ओर। ये संसार के लोग हैं। आप तारतम वाणी को देखोगे, हमारे ब्रह्म मुनियों ने भी इससे कई गुना ऊंची छलांगें लगाई हैं। गौतम बुद्ध की अवस्था तो 25 साल की होगी, महावीर की अवस्था 40 साल की होगी, लेकिन आप देवचंद्र जी की अवस्था को देखिए। कितनी अवस्था थी उनकी, 11 साल। हृदय में वैराग्य जागा। उन्होंने भी इसी तरह गांव में किसी को मरते देखा होगा, किसी वृद्ध को देखा होगा, संसार के दुख को देखा होगा। उनके मन में भी ये प्रश्न जागा होगा कि ये मेरी माँ तो है, लेकिन इसकी कोख में आने से पहले मैं कहाँ था। एक दिन इस घर से चला जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। और 5 साल तक उनके हृदय में केवल यही प्रश्न चलता रहा। अपनी माता पिता की इकलौती संतान है, चाहे तो अपने पिता का कारोबार आगे बढ़ा सकते थे, सेठ देवचंद्र बन सकते थे, लेकिन नहीं, उनको अपने प्रश्नों का उत्तर जानना था। 16 साल की अवस्था में, कितनी अवस्था, 16 साल। 16 साल का आजकल का बालक मोबाइल या टीवी पर गेम खेलने में लगा रहता है, लेकिन उन्होंने 16 साल की अवस्था में महान से महान ऋषि मुनि भी जिस वैराग्य की अवस्था को अनुभूति नहीं करते, उसको अनुभव किया। और जब वजीर के पास पहुंचे थे तो वजीर ने क्या कहा था कि तुम हमारे साथ कच्छ जाना तो चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सवारी है? देवचंद्र जी ने कहा कि मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा। देवचंद्र जी को जब वो वजीर था वो डांट कर वापस घर भेजता है, तो देवचंद्र जी मन में सोचते हैं कि मैं काहे पूछूं तू इनसो, कि मैं इनसे पूछता ही क्यों हूं, मैं अपने आप चला जाऊंगा अपने पैरों से, मैं तो अपने पैरों से ही चला जाऊंगा। सोचिए, क्या कोई एक दो कदम चलना था, क्या कोई एक दो मील चलना था, या कोई एक दो किलोमीटर चलना था। देवचंद्र जी पहले कच्छ जाकर वापस आ चुके हैं। उनको पता था कि पूरी रात्रि का सफर है, कि सारी रात तुझे पैदल चलना होगा, लेकिन उनके हृदय में संकल्प देखिए कितना है। उनके मन ने क्या कहा कि मैं पैदल चला जाऊंगा अपने पैरों से, कि तुम घोड़ों से जाओ, मैं तो अपने पांव से ही चलकर कच्छ पहुंच जाऊंगा। धामधनी की परीक्षा तो बस इतनी ही होती है। यहां आपके मन में दृढ़ संकल्प जागा और वहां धामधनी आप पर मेहर बरसाएंगे और आपके हृदय में आकर बैठ जाएंगे। मैं बार बार बताता हूं कि देवचंद्र जी का केवल एक यही संकल्प था कि मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई। और धामधनी वहां से चल पड़े उस कच्छ की रेत में हमारे हादी से मिलने के लिए। और सोचिए, संसार में आज तक वैकुंठ से विष्णु जरूर आते होंगे, लेकिन अपनी रूह अल्लाह के लिए अक्षरातीत खुद आवेश स्वरूप धर करके इस संसार में प्रकट हुए। धन्य है वो गुजरात की धरती और धन्य है वो कच्छ का मरुस्थल, जहां पर हमारे हादी एक समय में इतना दृढ़ संकल्प लेकर के निकले और उनकी रक्षा के लिए परमधाम से अक्षरातीत आवेश स्वरूप होकर के आए। कभी चादर बिछा रहे हैं, कभी लेटा रहे हैं, कभी ये पांव दबा रहे हैं, कभी दूसरा पांव दबा रहे हैं। तो मेहराज ठाकुर का जीवन है, उनका चरित्र भी ऐसा है। वो भी एक धन धन्यवान परिवार में जन्म लिया, लेकिन कोई आशा नहीं संसार से। रत्न जड़ित जो मंदिर सब उठ उठ खाने जाए। उनको तो संसार के रत्न जड़ित मंदिर उठ उठ कर खाने जाते हैं।
ये उनके हृदय की वेदना है। आप मुकुंददास जी का जीवन देखिए, उनका तो नव विवाह हुआ था, माता बूढ़ी है। एक बार संदेश मिला कि तुम्हें तुम्हारे धाम धनी पुकार रहे हैं। ना बूढ़ी माता को देखते हैं और ना नवविवाहिता स्त्री को देखते हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो संसार का बंधन है, ये तो संसार का रिश्ता है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज तो समय आया है उस अक्षरातीत प्राण वल्लभ के साथ अपना पालव बांधने के लिए। वो निकल पड़े अपने घर से, चाहे लालदास हो चाहे छत्रसाल हो। मैंने पहले भी कहा था कि लालदास जी को श्री जी हमेशा लाल कहकर बुलाते थे। मुकुंददास जी को कभी उन्होंने मुकुंददास नहीं कहा, हमेशा मुकुंदा कहकर बुलाते थे। छत्रसाल को उन्होंने छत्रसाल नहीं कहा, उन्होंने हमेशा छत्ता कहकर के पुकारा। आप अपने बच्चों को प्यार से कोई छोटा सा नाम देते हैं, लेकिन सोचिए कि ये ब्रह्म मुनि कितने धन्य हैं, कि वो लालदास कितना धन्य हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक उसको लाल कहकर पुकारता है। वो छत्रसाल कितना धन्य हुआ कि जिसको खुद राज्य छत्ता कहकर पुकारते हैं, और वो मुकुंददास जिसको हमेशा मुकुंदा मुकुंदा कहकर पुकारा जाता है। ये क्या है? ये है अक्षरातीत धामधनी की ब्रह्म अंगनाओं की निस्बत, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन हमारी निस्बत नहीं छूटनी चाहिए। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिर इश्क देखो कौन लेके जाए। धामधनी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि माया का जोर ही इतना है कि जब तुम इस संसार में आए तो तुम उसके प्रबल में अपने आप को मजबूती से टिका नहीं पाए। देवचंद्र जी कहा करते थे कि माया का प्रवाह इतना है कि अगर इस माया की बहती हुई नदी में कोई अपनी उंगली भी डालेगा तो माया का प्रवाह उसके नाखून को भी उखाड़ कर ले जाएगा। मंच से कहना बहुत आसान होता है कि माया को छोड़िए, एक दूसरे को समझाना बहुत आसान होता है कि माया को छोड़िए। कहने और सुनने में बहुत सरल प्रतीत होता है, लेकिन जब हमारा कर्म क्षेत्र आता है, जब उसको जीवन में चरित्रार्थ करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम सब के पांव पीछे लौट जाते हैं, फिर से राज्य गौण हो जाते हैं और संसार प्रथम नंबर पर आ जाता है। आज हम यहां पर बैठे हैं, 14 दिन का यहां पर शिविर लगा है। कहीं ना कहीं हम सबके मन में आ रहा होगा कि घर पर क्या चल रहा होगा, कब हम यहां से आए थे, अभी घर जाना है, घर जाकर ये काम करेंगे वो काम करेंगे। शाम को 9 बजे 10 बजे तक यहां पर सभा समाप्त होती है, सुबह 5 बजे सबको चितवनी के लिए बुलाया जाता है। कई हैं जो नहा धोकर पहुंचते हैं, कई बिना नहाए बैठ जाते हैं, कईयों के शरीरों में फुर्ती है लेकिन कई ढीले ढाले बस चलते फिरते हम आकर बैठ जाते हैं। देखकर तो दुख तब लगता है कि जब चितवनी के दौरान हम लोग नींद के मारे खराटे भी ले रहे होते हैं। यहां तो हम उठ भी जाएं एक दूसरे की मर्यादा को देखकर कि साथ वाले सब उठ गए तुम सोते रहोगे तो वो क्या कहेगा, लेकिन हमारी वास्तविक जीवन शैली क्या है वो तो घर जाने के बाद पता लगेगा। कितने दिन आप सुबह 5 बजे इस तरह उठते हो, कितने दिन आप 1 घंटा इस तरह से चौकड़ी मारकर धामधनी के लिए बैठते हो, और आज तक जितने जीवन दिन आपने चितवनी की, कितने दिन ऐसे थे जब आपकी आंखों से आंसू टपके। ये है आपका प्रेम। सूफियों में एक बात कही जाती है कि जब सारा संसार सो जाए, जब तुम्हारे सगे संबंधी भी सो जाएं, तुम रात्रि के उस पहर में उठो और अपने परमात्मा को इस तरह से रिझाओ कि किसी को कानों कान खबर भी ना पहुंचे। एक समय था
1740 से 1750, जिसे मैं निजानंद संप्रदाय का स्वर्णिम काल कहूंगा। 5000 की जमात श्री जी के सामने बैठती थी। अगर आपने बीतक को पढ़ा होगा, रात दिन का चौथा पहर 9 से 12, 8:30 बजे आरती गाई जाती थी और 9 बजे श्री जी को बिठा दिया जाता था और चर्चा का समय प्रारंभ होता था। बीच में श्री जी बैठते थे, एक तरफ मुकुंददास जी बैठते थे वाणी की चौपाइयों को लेकर, एक तरफ लालदास जी बैठते थे कुरान को लेकर, और एक तरफ केशव दास जी बैठते थे जिनके पास हदीस और बाकी हिंदू साहित्य रहता था। श्री जी चर्चा आरंभ करते हैं, 9 बजे का समय है। लालदास जी ने तो अपनी आंखों से देख करके सब लिखा। लालदास जी कहते हैं कि जब चर्चा का समय शुरू होता था, चारों तरफ 5000 की जमात श्री जी को इस तरह से घेर करके बैठती थी जैसे एक मधुमक्खी के छाते पर मक्खियां चिपक जाती हैं। सन्मुख होकर बैठ ही सभी सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ श्री जी के सामने बैठे हैं, नेत्रों से नेत्र मिले हैं, पाव पलक न ले वही। रात्रि की चर्चा होती है, अधिकतर लोगों को एक या दो झपकी तो सबको आ जाती है, लेकिन लालदास जी कहते हैं कि वो मंजर ऐसा था, नींद तो दूर की बात है, पाव पलक न ले वही, कोई अपनी पलक को झपका भी नहीं रहा है, इतनी तल्लीनता। पाव पलक न दे वही और सन्मुख सुंदर साथ, सभी का जो मुख है वो शिरजी के मुखारविंद की तरफ है, और एक एक शब्द जो शिरजी कह रहे हैं उसको सभी सुंदर साथ बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। वहां महाराजा छत्रसाल भी बैठे हैं, देवकरण जी भी बैठे हैं, कई हिंदू और कई मुसलमान जिन्होंने शिरजी से, जो शिरजी के चरणों में आए, सभी वहां पर 5000 की जमात बैठी है, और बीच बीच में कोई प्रश्न पूछता है, शिरजी बड़े आनंद से उसका उत्तर देते हैं। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात के 12 बज गए, 3 घंटे हो गए, ना तो सुनाने वाला वहां से उठने को तैयार, और जो ना वहां झुंड बैठा है उसमें से कोई भी उठने को तैयार। वही स्थिति है, सबके पाँव पलक न दे वही, पलकें झपक नहीं रही, मुख की तरफ मुख है और कानों से इस तरह सुन रहे हैं कि जिस तरह शब्द माधुरी का एक शब्द भी उनके कान से अछूता ना रहे। और 12 बजे का समय है, उधर से वल्लभ दास जी एक सुंदर साथ हैं जिनको चिंता होती है कि अब तो शिरजी की उम्र काफ़ी हो गई है, अब इनको आराम करना चाहिए। वल्लभ दास जी आते हैं शिरजी के सामने और शिरजी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि शिरजी अब चर्चा को आराम दीजिए, अब क्या है, अब आपके विश्राम का समय हो गया है। लेकिन वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, शिरजी बोलते जाते हैं और सुंदर साथ नीचे बैठ करके सोच रहे हैं कि ये शिरजी को उठाने के लिए क्यों आए हैं, अभी तो कितना समय बीता, अभी तो कुछ भी नहीं बीता। अब जब सुनने वाले इस तरह से बैठे हों और सुनाने वाला भी इस तल्लीनता में परमधाम के 25 पक्षों की शोभा का बयान हो रहा है, कभी जमुना जी का बयान हो रहा है, कभी राज जी की शोभा का बयान हो रहा है, कभी श्यामा जी की शोभा का बयान हो रहा है, तो कौन उठना चाहेगा। वल्लभ दास जी वहीं पर हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। अब फिर से 1 घंटा बीतता है, यानी तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास। अब गंगादास जी उठ करके आते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो 1 बज गए, अब तो 1:30 बज गए, कब 9 बजे शुरू किया था, अब तो सुंदर साथ भी थक गया होगा। वो आकर के हाथ जोड़कर शिरजी से विनती करते हैं कि शिरजी बस अब चर्चा को यहाँ पर विराम दीजिए, लेकिन उनकी बात इस तरह से जाती है जैसे किसी ने सुना ही नहीं। वही प्रश्नों पर प्रश्न चल रहे हैं, वही परमधाम की शोभा का वर्णन हो रहा है। थोड़ी देर खड़े होने के बाद गंगादास जी को भी शर्म आती है, वो भी वहीं पर बैठ जाते हैं। अब फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। अब्बाई जी वहां पर बैठी हैं, शारीरिक नाते से स्त्री संबंध होने से उनके मन में थोड़ा भाव है कि अब इनको विश्राम करना चाहिए, थक चुके होंगे।
वो इशारा करती हैं, एक वयोवृद्ध सबसे बूढ़े सुंदर साथ हैं जिनका नाम है जयंती काका, कि शायद ये जाएंगे तो शिरजी चर्चा को आराम दे दें। जयंती काका को आंखों से इशारा किया जाता है कि अब आप जाइए और शिरजी को कहिए कि चर्चा को विराम दें। अब जयंती काका आते हैं, वो भी शिरजी के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं बड़े प्रेम से कि अब तो बहुत समय हुआ, अब तो रात के 2:30 बजने को आए, अब आप जा कर के आराम कीजिए। लेकिन उनकी बात को भी अनसुना कर दिया जाता है। सभी सुंदर साथ पाव पलक न दे रही इस तरह से बैठे हैं कि जैसे अभी क्षण भर भी नहीं हुआ, जैसे मूर्तियां बैठी हों। फिर 2:30 बजे 2:45 बजने का समय आया। अब बाई जी इशारा करती हैं, क्योंकि जब सुंदर सात प्रश्न पूछते हैं शिरजी उसका उत्तर देते हैं तो उस उत्तर से संबंधित कोई कुरान की आयत है तो लालदास जी अपने आप को रोक नहीं पाते, वो आयत गा देते हैं और फिर वहां से बात आयत पर पहुंच जाती है। और फिर केशव दास कोई चौपाई बोलते हैं, फिर मुकुंद दास कोई उदाहरण दे देते हैं, तो इस तरह से बातों का सिलसिला चलता रहता है। तो फिर बाई जी लालदास जी और केशव दास जी की तरफ इशारा करती हैं कि अब आप अपनी किताबों को बंद कीजिए। अब तीनों सुंदर साथ कौन, सबसे पहले वल्लभ दास जी, फिर गंगा दास जी और फिर जयंती काका, तीनों मिलकर के शिरजी के सामने जाते हैं कि शिरजी अब चर्चा को आराम दीजिए। 3 बजे हैं, 9 बजे शुरू हुए और रात्रि के 3 बजे। और तारतमवाणी भीतक में लिखा है कि फेर कर अरज हो वही कहे उठत हैं ल्याओ प्रतीत। समझे इसका मतलब कि जब एक एक करके तीन आए, फिर जब तीनों मिल करके आए तो शिरजी कहते हैं कि तुम ठहरो तो सही, हम उठत हैं ल्याओ प्रतीत, तुम थोड़ा सबर तो करो, मैं बस उठने ही वाला हूं। और कहते कहते शिरजी फिर से लग जाते हैं। अब शिरजी को खुद को लगता है कि अब समय ज्यादा हुआ, 3 से भी समय ऊपर होता है। शिरजी उठने की प्रयास करते हैं। अब जो वल्लभ दास जी सबसे पहले आए थे, अब वो शिरजी का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि शिरजी अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं बड़ी वृत को गा सकता हूं। सोचिए, सबसे पहले खुद उठाने आए और जब उठने लगे तो हाथ पकड़ कर क्या कह रहे हैं कि बस चलते चलते एक बार बड़ी वृत को गा दिया जाए। इसको कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई हो गई लालम लाल। और फिर से बड़ी वृत को गाया जाता है। फिर शिरजी उठने लगते हैं और कहते हैं कि इन समय तुम अपने स्वरूप को कहीं और मत लेकर के जाओ, उस रंग पर वाली मंदिर में लेकर के जाओ। उसके बाद भी सुंदर साथ सोता नहीं, चर्चा की अर्चा की जाती है, भजन मंडलियां आ जाती हैं और ये एक दिन नहीं 10 सालों तक चलता रहा। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो समय मैंने कहा, ये निजानंद समाज का स्वर्णिम काल था। इतिहास हमेशा शिक्षा प्रद होता है अगर कोई शिक्षा लेना चाहे। अगर आज हम अपने हृदय में राज्य से मिलने की चाहना रखते हैं, अगर आज भी हम चाहते हैं कि हमें युगल स्वरूप का साक्षात्कार हो, तो हमारे परमहंसों ने जिस मार्ग पर चल कर दिखाया है, हमें भी उस मार्ग पर पांव धरने होंगे। वो 10 साल तक नहीं सोए और हमारी एक दिन में हालत खराब हो जाती है। हमें सोचना चाहिए कि जो बिरहा उनके हृदय में होगा उसका कितना अणु मात्र अंश भी हमारे हृदय में नहीं है। तो ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हम सब यहाँ से कुछ ना कुछ संदेश लेकर के जाएँ, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हम जागने के मार्ग पर अग्रसर हों, नहीं तो शब्द हैं यहीं के यहीं झड़ जाएंगे। अब सब मैं मानता हूं कि जो मैं कहना चाहता था आपकी समझ में आ गया। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मिलकर के चौपाई को दोहराएंगे। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिर इश्क देखो कौन लेके धाए, देखो कौन लेके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।